है और प्रोजेक्ट मेकिंग डे भी है। यस डियर आई नो, प्लीज बी सीटेड। आज हम प्रोजेक्ट ही बनाएंगे। टीचर आज के प्रोजेक्ट का नाम क्या है? आज के प्रोजेक्ट का नाम है फन विद वॉल पीस। टीचर वॉल पीस से इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? बताती हूँ बेटा, पहले आप आपस में पांच पांच स्टूडेंट्स के तीन ग्रुप बना लीजिए। बच्चों अब आपके ग्रुप में से एक एक मेंबर यहाँ आएगा और वॉल पीस बनाने के जरूरी टूल्स यहाँ से ले जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको अलग अलग शेप का उपयोग करके एनिमल्स व्हीकल्स प्लेस जो भी आपको पसंद है उसका वॉल पीस बनाना है और उसके नीचे आपने जो वॉल पीस बनाया है उसके रिलेटेड एक वर्ड स्ट्रिप लगानी है। कम से कम पांच स्ट्रिप होनी चाहिए। आप सभी के पास 30 मिनट का वक्त है। 30 मिनट के बाद आपको आपके वॉल पीस के बारे में पांच सेंटेंस बोलने होंगे। सो आर यू रेडी? यस टीचर। तो आपका समय शुरू होता है अब। जो आपका समय खत्म होता है, प्लीज स्टॉप राइटिंग। अब आप बारी बारी से बताएंगे कि आपने कितने वॉल पीस बनाए हैं। कॉमन ग्रुप है, आप में से कौन अपने ग्रुप को प्रेजेंट करेगा? फ्रेंड्स इट इज अ कैट, इट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, इट इज फ्रॉम कैट फैमिली, इट हैज लॉन्ग मस्टाच, इट हैज ट्रैश ऑन हिज बॉडी, इट लाइक मिल्क। It is a domestic animal. It is from dog family. It drags compound. People keep it in their house. It like milk and cat. Very good. अब group B की बारी। Friends, it is a school. There is a big school in my village. Teacher teaches in school. Students learn English in school. There is a garden in a school. There is a library in a school. It is a tiger. It is a wild animal. It is from cat family. It is the national animal of India. It has black stripes on his body. It likes to eat deer. It lives in den. Baby tiger is called cub. It is a car. It is not human thing. It runs with petrol. It has four wheels. It has two headlights. It saves over time. Very good. Ab group C ki bari. Friends,
फ्रेंड्स इट इज एन एलिफेंट. इट इज अ वाइल्ड एनिमल. इट इज अ ह्यूज एनिमल. इट हैज लॉन्ग ट्रंक. इट हैज टस्क. बेबी एलिफेंट इज कॉल्ड काफ. फ्रेंड्स इट इज अ रैट. इट इज अ स्मॉल एनिमल. इट हैज लॉन्ग टेल. इट हैज ब्लैक इन कलर. इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ. फीमेल माउस इज कॉल्ड माउस. फ्रेंड इट इज अ ट्री. ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स. इट ब्रिंग्स रेन. इट हैज ग्रीन लीव्स. ट्रीज गिव्स अस फ्रूट. इट इज हाउस फॉर बर्ड्स. फ्रेंड्स इट इज अ मोबाइल. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इट रन्स विथ बैटरी. इट इज यूजफुल इन कम्युनिकेशन. इट ऑल्सो यूज फॉर एजुकेशन. इट इज यूजफुल इन इमरजेंसी. फ्रेंड इट इज अ ट्रेन. इट इज अ नाउन ह्यूमन थिंग. इट रन्स विथ कॉल. इट रन्स ऑन ट्रैक. इट इज वेरी यूजफुल इन लॉन्ग ट्रेवलिंग. इट सेव्स आवर टाइम. अमेजिंग ग्रुप सी. ग्रुप सी ने 5 वॉल पीस बनाए हैं. 3 क्लैप फॉर देम. प्लीज बी सीटेड. बच्चों अब आपने बनाए हुए वॉल पीस हम अपने क्लास में डिस्प्ले करेंगे. आपको वॉल स्ट्रिप के आधार से 10-10 वाक्य बनाने हैं और कल क्लास में बोलने हैं. ओके गुड बाय.